दोस्तों अगर आप भी झूलन गोस्वामी को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ अपना अंतिम मुकाबला खेलते हुए झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा कर दी। झूलन गोस्वामी के संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट के साथ दुनिया का क्रिकेट जगत सदमे में है। इसी बीच भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों ने झूलन गोस्वामी के संन्यास पर इमोशनल बयान जारी किया है, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप रो पड़ेंगे। आखिरकार भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों ने झूलन गोस्वामी के संन्यास पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि झूलन गोस्वामी, रेणुका सिंह ठाकुर और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतर गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच में वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला गया, जहां इस अंतिम मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने आज क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जी हां दोस्तों, झूलन गोस्वामी जो कि भारतीय महिला टीम की सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। दरअसल झूलन ने अब तक 204 वनडे खेले हैं, तो वहीं पर भारत की ही पूर्व बल्लेबाज और कप्तान मिताली राज ने 232 वनडे मुकाबले खेले थे, जहां झूलन ने 204 में से 201 वनडे मुकाबले मिताली के साथ खेले हैं और उन्होंने कुल 284 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इनमें से 204 वनडे, 12 टेस्ट और 68 टी20 शामिल हैं। और वनडे में झूलन ने 253, टेस्ट में 44 और टी20 में 56 विकेट लिए हैं और वो 2007 में ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं। तो वहीं मिताली राज के बाद झूलन गोस्वामी के संन्यास को देख भारतीय महिला क्रिकेट टीम सदमे में चली गई है। इसी बीच भारतीय महिला खिलाड़ियों ने झूलन गोस्वामी के संन्यास पर इमोशनल बयान जारी किया है, जिसमें स्मृति बंधारा ने कहा है कि झूलन गोस्वामी जैसे गेंदबाज शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगी। झूलन गोस्वामी से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कोई भी नहीं है। तो वहीं झूलन गोस्वामी को अब क्रिकेट में देख पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन झूलन गोस्वामी भारतीय महिला टीम की एक मुख्य गेंदबाज है और सदस्य थी। उनकी रिप्लेसमेंट पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। अब हमें काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि वो अब हमारे साथ खेलती हुई दिखाई नहीं देंगी। हम उन्हें संन्यास देते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हैं और मैं उनके बेहतर भविष्य के लिए कामना करती हूं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने कहा कि झूलन गोस्वामी टीम की सबसे मुख्य खिलाड़ी नहीं है। झूलन गोस्वामी का जो टीम के लिए अप्रोच रहता है वो हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने योग्य है। तो वहीं झूलन गोस्वामी का दुनिया के क्रिकेट में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने आगे कहा है कि जब मैं टीम में आई थी तो झूलन गोस्वामी एक खिलाड़ी थी जो लीडिंग फ्रंट द फ्रंट की एक उदाहरण थी। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है और कोई गोस्वामी की जगह नहीं ले सकता और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक ऐसा सीनियर था जिनसे मैं नजदीक से काफी कुछ सीख पा रही थी। तो वही मिताली राज ने कहा कि झूलन गोस्वामी जैसे गेंदबाज शायद दुनिया में किसी भी टीम के पास में नहीं होंगे। हालांकि झूलन गोस्वामी भारतीय टीम को 2 बार में से 1 बार वर्ल्ड कप नहीं जिता पाई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टीम के लिए हमेशा 100% योगदान दिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और आज भारतीय महिला क्रिकेट को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि झूलन गोस्वामी जैसी अनुभवी और महत्वपूर्ण गेंदबाज का टीम का साथ छोड़ना किसी के लिए भी सही साबित नहीं हो सकता, बल्कि झूलन गोस्वामी का संन्यास लेना आज हमें काफी ज्यादा दुख प्रदान कर गया। तो वहीं झूलन गोस्वामी के बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि झूलन गोस्वामी का रिप्लेसमेंट मिल सकता है या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।